वेलकम टू संजय मैथ्स। संजय मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों, झारखंड की एक जनजाति जिसे आप कहते हैं संथाल जनजाति, है ना, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको झारखंड की जनजातियों के बारे में परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताया था, ठीक है। और आज मैं एक एक करके चीज़ों को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा, है ना, वह संथाल जनजाति पर आधारित होगा। इसके ठीक पहले मैं जनजाति पर बेस्ड एक आपका वीडियो मैं अपलोड किया था, वह था आपका परिचय पर आधारित, ठीक है। परिचय पर मतलब क्या, उसके बारे में विशेष कुछ विशेष बातें मैंने किया था आपको एक सामान्य परिचय के रूप में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों, वह है स्पेशली आप देखिएगा संथाल जनजाति। ये संथाल जनजाति के बारे में हम देखेंगे कि यह एक्चुअली में किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चाहे झारखंड के कोई भी यहाँ बैठते हैं आप, SSC JSSC आप कहते हैं जिसे हम लोग, ठीक है ना, किसी यहाँ बैठते हैं आप लोग, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तमाम हम उस उन सब चीज़ों पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आइए फिर देर किस बात की, क्लास को स्टार्ट किया जाए। हम लोग देखने वाले हैं संथाल जनजाति, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें संथाल जनजाति के बारे में कुछ विशेष बातें जो इस प्रकार से आपके सामने है। देखो, संथाल जनजाति जो है दोस्तों, है ना, ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है दोस्तों। यह जो है संथाल जनजाति, ये संथाल जनजाति जो दोस्तों है, वह है क्या, झारखंड के सर्वाधिक, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या, झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट में अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन क्या कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति का नाम बताएं, याद रखिएगा संथाल जनजाति। वो कौन जनजाति होगा दोस्तों, तो संथाल जनजाति। फर्स्ट इसमें कंटेंट ग्रुप में आपको शो कर रहा हूँ, पूछेगा आपसे क्या कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, याद रखिएगा संथाल जनजाति इसका जो है दोस्तों झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में अस्तित्व रखती है, ठीक है। अगर पूछेगा आपसे क्या कि इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है, परसेंटेज मात्रा मतलब क्या कि जनजातियों में इसकी परसेंटेज मात्रा कितनी है, याद रखिए कि झारखंड में झारखंड की जनजातियों में, याद रखिएगा झारखंड की जनजातियों में है ना, संथाल की परसेंटेज मात्रा अगर पूछेगा, संथाल की अगर परसेंटेज पूछेगा तो याद रखना है 31.86% यह झारखंड की जनजातियों में संथाल का अस्तित्व है, अर्थात संथाल की इतनी जनसंख्या है, ठीक है दोस्तों, परसेंटेज रूप में। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं है। पहला मैंने बताया क्या कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, याद रखिएगा संथाल जनजाति है। इसकी परसेंटेज मात्रा पूछेगा कि झारखंड की जनजातियों में संथाल की परसेंटेज मात्रा कितनी है, तो यह 31.86% यह इसका स्थान। और अगर पूछेंगे भारत में संथाल जनजाति का रैंकिंग क्या है ना, तो भारत में यह तीसरा स्थान रखती है, थर्ड पोजीशन मतलब तीसरे स्थान पर यह आती है। कौन जनजाति दोस्तों, तो संथाल जनजाति, मतलब भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें तीसरा स्थान जो है मेरे प्यारे साथियों वह है आपका संथाल जनजाति का, ठीक है, संथाल जनजाति का, याद रखिएगा किसका, तो संथाल जनजाति का। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आप ये एक चीज पूछ सकते हैं आप मेरे से कि सर, संथाल जनजाति अगर तीसरा पोजीशन में अगर आती है, थर्ड रैंक में आती है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है, याद रखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारा भील, फर्स्ट जनजाति का नाम क्या है भारत में, भील। और सेकेंड जनजाति दोस्तों कौन है, तो गोंड है, यह गोंड। तो यानी कि अगर पूछेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति का नाम बताएं, तो भील है ना, उसके बाद कौन आता है, गोंड। और तीसरा स्थान जो है मेरे प्यारे साथियों वह है हमारा संथाल, जिसके बारे में हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन है, याद रखिएगा संथाल जनजाति है। इसकी परसेंटेज मात्रा पूछेगा, परसेंटेज याद करें, यह परसेंटेज इसकी कितनी है झारखंड की जनजातियों में, 31.86 है।
और अगर भारत में इसका रैंकिंग पूछेगा आपको कि भारत में जितनी भी जनजातियां हैं उसमें संथाल जनजाति का रैंकिंग क्या है, तो याद रखिएगा थर्ड, तीसरी जनजाति यह है। पहला कौन है दोस्तों भारत में? भील। दूसरा है गोंड और तीसरा है दोस्तों संथाल। कोई समस्या किसी बच्चों के यहाँ पर दोस्तों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी आपके रिलेवेंट चीज़ें हैं जो आपका एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो बनते हैं उन तमाम क्वेश्चन को मैं यहाँ पर शो करने का प्रयास करूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। शुरू से अंत तक देखेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और अगर आप पहले से सीखे हो, पहले से जानते हैं, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों हम लोग ये देखें, इसके बाद कुछ और भी विशेष बातें हैं जो इस प्रकार से यहाँ पर आपको जानना चाहिए। तो आपको पता होगा कि झारखंड आने से पहले संथाल लोग जो रहते थे, संथाल जनजाति, वह कहाँ रहते थे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में रहते थे। याद रखिएगा, झारखंड आने से पूर्व इनका जो निवास स्थान वह कहाँ था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। इस पश्चिम बंगाल को ही पहले हम लोग क्या कहते दोस्तों, हम लोग जहाँ इन्हें हम लोग सावतार के नाम से जानते थे। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को हम लोग सावतार कहते थे। इसको दोस्तों, तो संथाल जनजाति को हम लोग क्या कहते थे दोस्तों? तो सावतार कहते थे। याद रखिएगा, यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि झारखंड में प्रवेश करने से पहले, अर्थात झारखंड में आने से पूर्व, है ना दोस्तों, आने के पूर्व इनका जो निवास स्थान था वह कहाँ था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। कोई समस्या किसी बच्चों को? पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को हम लोग क्या कहते थे दोस्तों? तो सावतार कहते थे, है ना। पूछ सकता आपसे क्या क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को किस नाम से जानते थे, है ना? याद रखिएगा, सावतार के नाम से हम लोग वहां पर जानते थे। जबकि यही जनजाति अगर हम बात करते हैं दोस्तों, है ना, इसी जनजाति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो दामिन एको के नाम से भी पुकारा गया है। ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों इसका इस्तेमाल? याद रखिएगा, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें दामिन एको के नाम से पुकारा गया, जबकि पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को सावतार के नाम से पुकारा गया, यानी कि इन्हें याद किया गया। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर पूछेगा दामिन एकोह इनका नाम कहाँ पड़ा? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में। याद रखिएगा, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें दामिन एकोह के नाम से पुकारा जाता है। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर हम प्रजाति के रूप में बात करें कि संथाल जनजाति किस प्रजाति में बिलोंग करते हैं, किस प्रजाति से आते हैं, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रोलाइट इनका प्रजातीय समूह। अगर पूछेगा कि यह किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से, प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस प्रजाति समूह से ये बिलोंग करते हैं, याद रखना है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग करते हैं। जबकि इनका पूछता है कि किस भाषा परिवार से आते हैं, संथाल जनजाति जो है दोस्तों ये किस भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं? याद रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से ये बिलोंग करते हैं। यह जो है दोस्तों इनका क्या है? तो भाषा परिवार है। अर्थात पूछेगा आपसे क्या कि संथाल जनजाति का भाषा परिवार क्या है, तो आपको बोलना होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना। इनकी प्रजाति समूह क्या है, याद रखिएगा ऑस्ट्रो और पोर्टो ऑस्ट्रोलाइट, है ना। तो कुछ विशेष बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रूफ में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नो डाउट आपको एक एक चीज आपको जानना होगा, और एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। तो चलिए, मुझे लगता है ये आप समझ रहे होंगे। हमने क्या बताया कि सावतार जो है दोस्तों, सावतार है ना, तो झारखंड आने से पूर्व इनका जो निवास स्थान था पहले पश्चिम बंगाल में थे, उसके बाद ये झारखंड में प्रवेश किए। तो पश्चिम बंगाल में संथाल जनजातियों को हम लोग सावतार के नाम से पुकारते थे, जबकि इनका नाम दामिन एको कहाँ पड़ा? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ा। ये किस प्रजाति समूह से बिलोंग करते थे? याद रखिएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से बिलोंग करते थे। इनकी भाषा परिवार क्या है? इनकी भाषा परिवार क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रो एशियाटिक। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है पर दोस्तों? बिल्कुल भी कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अब सिंपल से क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों कभी कभी क्या कि संथालों के पिता कौन थे, है ना, कौन थे? याद रखिएगा,
लुगु बुरु बोलते हैं इसको, लुगु बुरु। याद रखिएगा, चार ऑप्शन दिखाई दिखाई दे रहा होगा, उसमें से एक ऑप्शन आपका ए ही रहेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। संथालों के पिता कौन है दोस्तों? तो लुगु बुरु, ये संथालों के पिता कहे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि संथालों के पिता किसे कहते हैं, चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस ऑप्शन में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा लुगु बुरु कहाँ दिख रहा है, जहां पर भी दिखेगा वो आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। मतलब संथालों का पिता कौन है दोस्तों? तो लुगु बुरु। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर हो रही है? हाँ, अगर पूछता आपसे क्या इनकी प्रमुख भाषा क्या है, अगर संथाल, देखो हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं, संथाल जनजाति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो संथाल जनजाति में अगर हम बात करें इनकी प्रमुख भाषा को, तो भाषा इनको ऑब्वियसली क्या होगा दोस्तों? तो संथाली होगा। इनकी भाषा दोस्तों कौन है? तो इनकी भाषा है संथाली, ठीक है, जिसे आठवीं अनुसूची में, जिसे आठवीं अनुसूची में इन्हें सम्मिलित किया गया, आठवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में यह शामिल हुआ है। ये कब हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा 2004 में यह शामिल हुआ है। थोड़ी सी प्रश्न है कि संथाल की प्रमुख भाषा संथाली या आठवीं अनुसूची में कब सम्मिलित हुई थी, कब सम्मिलित हुई थी? याद रखिएगा 2004, 2004 में आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को दर्ज किया गया था, जो कि संथालों की प्रमुख भाषा के रूप में यह आता है। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या, कि जो आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है वर्ष 2004 में, तो आखिर कोई संशोधन होता है तभी उसके बाद ये ऐड किया जाता है दोस्तों, है ना। तो पूछ सकता है आपसे क्या, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है? छोटा सा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा संविधान संशोधन, अगर पूछेगा कि संविधान संशोधन है ना, कौन सी संविधान संशोधन के तहत ये संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा 92, है ना, अमेंडमेंट, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है। अगर पूछेगा कब हुआ था ये संशोधन, कब हुआ था? याद रखिएगा 2003 को हुआ था। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर दोस्तों? नहीं, मैंने बताया संथालों का पिता कौन है? लोगो गुरु है। प्रमुख भाषा कौन सी है दोस्तों? संथाली भाषा है। ये कब, या पूछ सकते हैं आपको क्या, संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में, इसी भाषा को आठवीं अनुसूची में रखा गया है दोस्तों, तो आठवीं अनुसूची में यह कब शामिल किया गया? इसका आंसर होगा आपका दोस्तों 2004 में। किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन के तहत यह कब हुआ था? तो 2004 में हुआ। कोई डाउट है किसी प्रकार का यहाँ पर? ये 2003 है मेरे प्यारे साथियों, ये 2003 है ना, 2003, जस्ट ये 2003, मैं आपको ठीक से लिख देता हूँ। अब इसका अगला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, भाषा परिवार, अगर पूछता आपसे क्या कि इसका भाषा परिवार क्या है, या आपसे यह कहता है इसका, इसका भाषा परिवार क्या है, तो भाषा परिवार मैंने बता दिया था पहले, इसका भाषा लिपि देखना है आंसर, भाषा लिपि क्या है, तो भाषा लिपि इसका है क्या, ओल चिकी, ओल चिकी। ये किस लिपि का प्रयोग कर दोस्तों? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग करते हैं संथाल जनजाति जो दोस्तों हैं, वह उनका लिपि क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओल चिकी लिपि है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग यह करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को? अगर पूछेगा ओल चिकी, ओल चिकी लिपि का आविष्कार कौन है, अगर पूछ सकता है आपसे क्या कि इसका आविष्कार कौन किया, ओल चिकी लिपि का आविष्कार कौन, आविष्कारक आप बताना प्लीज, आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो इसका आविष्कारक है दोस्तों पंडित रघुनाथ मुर्मू, याद रखिएगा पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू। तो हमने सिंपल सी बताया आपको क्या कि भाषा अगर लिपि पूछता है इनका कि संथाल जनजाति का इनका लिपि कौन सा है दोस्तों, तो इसका सिंपल आंसर होगा ओलचिकी। ओलचिकी का आविष्कार कौन है, आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा पंडित 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 रघुनाथ मुर्मू इसका सही आंसर बनेगा। एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है आपसे क्या कि संथाल जनजातियों में कितने गोत्र पाए जाते हैं, याद रखना है 12,
12 गोत्र पाए जाते हैं। संथाल जनजातियों के 12 गोत्र हैं, कितने दोस्तों हैं, तो 12 गोत्र। तो मैंने बताया संथालों के पिता कौन है, लोगो बोरू है। इनकी प्रमुख भाषा कौन सी है, संथाली है। यह 8वीं अनुसूची में शामिल कब हुआ था, तो 2004 में हुआ था। किस संशोधन के तहत में, तो 92वें संविधान संशोधन। कब हुआ था, 2003 में। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। इनकी लिपि क्या है, संथालों की लिपि क्या है, ओलची की लिपि है। आविष्कारक कौन है दोस्तों इसका, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू इसका सही आंसर बनेगा। इनकी गोत्र कितनी है, तो 12। देखो तो हम लोग जो एग्जाम देते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कोशिश करना है आपको फैक्ट ज्यादा से ज्यादा आपको याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, आइए देखिए। आगे मैंने कुछ लिया दोस्तों, प्रश्न का प्रचलित विवाह। तो संथाल जनजातियों में सबसे प्रचलित विवाह कौन सी, आप बताना कमेंट करके मुझे। संथाल जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह कौन सी, याद रखना है कि संथाल जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रचलित विवाह का नाम है दोस्तों, वह है किरिंग बापला। कौन बापला, तो किरिंग बापला, किरिंग बापला। इन लोग विवाह को बापला के नाम से जानते हैं, विवाह को क्या बोलते दोस्तों, इन लोग बापला के नाम से जानते हैं, किरिंग बापला, ये बापला। विवाह को इन लोग बापला कहते हैं। तो सबसे प्रचलित जो विवाह होता है दोस्तों इनमें, वह किरिंग बापला। किरिंग बापला मतलब क्या समझेंगे आप, किरिंग बापला मतलब समझना आप अरेंज मैरिज। जो होता है आपका अरेंज मैरिज, इसमें क्या होता है कि माता पिता के पसंद से आप जब शादी करते हैं, है ना, उससे हम लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज। तो माता पिता के जो माता पिता के द्वारा जो मध्यस्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं गाँव में अगुआ, अगुआ के नाम से जानते हैं, या मेडिएटर बोल सकते हो आप लोग, मेडिएटर, ठीक है, यानी मध्यस्थ के माध्यम से जो हम लोग बातचीत करते हैं और उसके आधार पर शादी जब आगे होता है, तो इस प्रक्रिया को, इस विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो किरिंग बापला के नाम से जानते हैं, जिसमें माता और पिता की सहयोग से, माता और पिता के सपोर्ट से या उनका आशीर्वाद से शादी जो होता है उसे हम लोग किरिंग बापला कहते हैं, जिसमें मध्यस्थ यानी कि मेडिएटर का एक अहम योगदान होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। बधुमूल, अब हम यह कह सकते हैं कि जब शादी ब्याह होता है तो वहां पर बधुमूल कुछ दिया जाता है ना, तो बधुमूल कुछ देखा आपको क्या कि संथाल जनजातियों में बधुमूल को क्या कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, संथाल जनजातियों में बधुमूल को क्या कहते हैं, याद रखना है इसे हम पोन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, तो पोन कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक याद रखना है कि संथाल जनजातियों में बधुमूल को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों पोन कहते हैं। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों, नहीं यहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब पूछ सकते आपसे क्या कि जो संथाल जनजातियों में कठोर सजा होता है, पनिशमेंट जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संथाल जनजातियों में जो कठोर सजा, जो सबसे हार्ड से हार्ड जो सजा होता है, उसे कहते हैं हम लोग बिटलाहा, बिटलाहा। तो ये सब एक एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, है ना, इसमें आप लोग गाँव से बहिष्कार कर दिया जाता है दोस्तों, है ना, यौन संबंधित से अगर कुछ, अगर किसी प्रकार का दोष अगर आप पे पाया जाता है ना, यौन संबंधित अगर आप किसी प्रकार का दोष या आप में त्रुटियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो उस प्रकार से गांव वाले जुटते हैं और गांव वाले जुट कर कोई निर्णय लेते हैं और उसमें एक सजा जिसका जिसको हम लोग बोलते हैं कठोर सजा, उस कठोर सजा का नाम है दोस्तों बिटलाहा। और बिटलाहा के तहत में क्या हो दोस्तों कि आपसे गाँव, आपको जो है गाँव से क्या करते हैं दोस्तों, तो बहिष्कार कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसका कुछ प्रक्रिया है, गांव के सहमति से अगर आप अपने गोतिया परिवार को भोज भात करते हैं तो उसका कुछ प्रक्रिया के तहत में उसे फिर शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसमें आपको गांव से बहिष्कार करने की प्रक्रिया को ये हम लोग बिटलाहा के नाम से जानते हैं दोस्तों, जिससे हम लोग कठोर सजा के रूप में यह मानते हैं। कोई समस्या दोस्तों किसी प्रकार का, याद रखना है कि संथाल जनजातियों में सबसे कठोर सजा जो होती है दोस्तों वह है कौन सा, बिटलाहा है। और अगर पूछता आपसे क्या कि इसका बधुमूल कौन है संथाल जनजातियों का, तो याद रखना कौन है, प्रचलित विवाह जो है दोस्तों किरिंग बापला है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या कि संथाल जनजातियों में माता पिता के सहयोग से एवं, है ना, एवं मध्यस्थ के माध्यम से जो विवाह संपन्न होता है उसे हम लोग किस विवाह के नाम से जानते हैं, याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें देखना है किरिंग बापला ऑप्शन में है कि नहीं है, किरिंग बापला इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चों को बताइए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा।
और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, है ना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वीडियो को शुरू से अंदर देखिए, नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, रिवीजन करने का मौका मिलेगा दोस्तों। चलिए बोलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब संथाल जनजातियों में कुछ विशेष ऐसी बातें होती हैं जिसको आपको जानना चाहिए, जिस कुछ आपका प्रोसेस होता है ना, कुछ व्यवस्था है, उसे हम लोग जानते हैं। देखो, संथाल जनजातियों में युवा गृह होता है, ये है ना, युवा गृह होता है। युवा गृह जहाँ पर हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, उन्हें कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उस युवा गृह को हम लोग क्या कहते हैं? संथाल जनजातियों में युवा गृह को क्या कहते हैं? याद रखना है, युवा गृह को हम लोग बोलते हैं दोस्तों घोटुल, यह कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपको पूछेगा, है ना। यह इंपॉर्टेंट इतना है दोस्तों कि आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कई जगह आपको दिख जाएगा कि संथाल जनजातियों में युवा गृह को क्या नाम से या किस नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, घोटुल नाम से जानते हैं, है ना। युवा गृह किसे कहते हैं दोस्तों? तो जहां पर हम लोग लोगों को शिक्षण प्रशिक्षण देने का जो काम करते हैं दोस्तों, तो उस गृह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? युवा गृह कहते हैं। और संथाल जनजाति में हर जगह, हर एक जनजातियों में युवा गृह को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, लेकिन संथाल जनजातियों में हम लोग युवा गृह को घोटुल नाम से जानते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार का दोस्तों? नहीं। संथाल जनजाति जो लोग हैं दोस्तों, वह विवाह को किस नाम से जानते हैं? विवाह को क्या कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, विवाह को वे बापला कहते हैं। संथाल जनजाति वाले लोग जो है दोस्तों, वे विवाह को बापला के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से बधुमूल को, जैसे मैंने बताया कि बधुमूल को यह क्या कहते हैं दोस्तों? तो पोन कहते हैं। बधुमूल को क्या कहेंगे दोस्तों? पोन कहेंगे। उसी प्रकार से संथाल जनजाति है दोस्तों, क्या गांव को क्या कहते हैं? तो गांव को यह आतो कहते हैं। आतो, गांव को यह जो है आतो कहते हैं। इस प्रकार से कुछ विशिष्ट टर्म्स है जिसको याद रखना है। युवा गृह को घोटुल, विवाह को बपला, बधुमूल को पोन और गांव को आतो, है ना। कुछ जगह आपसे क्या कि संथाल जनजाति वाले लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, आतो नाम से, बधुमूल क्या है? पोन। कई बार यह पूछा भी गया है, विवाह को बापला, युवा गृह को घोटुल के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक कोई समस्या किसी प्रकार का? बताइए, कोई समस्या नहीं है। देखो, बिल्कुल संक्षेप में मैं उन्हीं सब चीजों पर डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा, जो आपको जानना चाहिए, है ना, झारखंड वासी होने के नाते भी। और अगर आप झारखंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संथाल जनजाति जो है दोस्तों, संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये कई बार पूछता भी है, तो इसे आप इग्नोर मत करना। कि संथाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? तो संथाल जनजाति पढ़ रहे हैं, संथाल जनजाति पढ़ रहे हैं। तो संथाल जनजाति में यह ग्राम प्रधान को हम लोग मांझी के नाम से जानते हैं, मांझी के नाम से हम लोग जानते हैं। कोई समस्या नहीं। संथाल जनजाति में गांव के जो प्रधान होते हैं, जो गांव के मेन आदमी जो होते हैं दोस्तों, उन्हें हम लोग मांझी कहकर पुकारते हैं, मांझी कहते हैं। उसी प्रकार से उप ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो उप ग्राम प्रधान को बोलते हैं हम लोग प्राणिक। उप ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्राणिक कहते हैं, प्राणिक या प्रमाणिक। कोई समस्या यहाँ पर? ध्यान से देखिएगा, उप ग्राम प्रधान को लोग दोस्तों या तो प्राणी कहेंगे या प्रमाणी कहेंगे, यहाँ पर कोई समस्या किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ग्राम प्रधान हमारा हो गया मांझी, उप ग्राम प्रधान हो गया हमारा प्राणिक या प्रमाणिक कहेंगे, प्रमाणिक, है ना। उसी प्रकार से अगर हम मांझी का सहायक को देखते हैं, मांझी का सहायक, देखिए ध्यान, मांझी का सहायक यह कहलाता है हमारा जोग मांझी, जोग मांझी, जोग मांझी कहलाता है। देखिए, ग्राम प्रधान को मांझी, और मांझी का जो सहायक होगा, मांझी का जो सहायक होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मांझी का जो सहायक होगा यह कहलाएगा हमारा क्या दोस्तों? तो जोग मांझी कहलाएगा। ग्राम प्रधान क्या हो गया हमारा? मांझी। और मांझी का सहायक क्या कहलाएगा? जोग मांझी, ठीक है। उप ग्राम प्रधान क्या कहलाएगा दोस्तों हमारा? प्राणिक, प्राणी कहलाएगा यहाँ पर, और या तो प्रमाणी कहलाएगा। उसी प्रकार से गांव का जो संदेह वाहक होता है, जो संदेश को पहुंचाता है, कोई भी बात अगर गांव में
करनी है, कोई पूजा पाठ करनी है, किसी शादी ब्याह से रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीजें जो लोगों तक तो पहुंचाना है, तो संदेह वाहक को कहते हैं हम लोग गुड़ाई। क्या बोलते दोस्तों हम लोग? गुड़ाई तो बोलते हैं, गुड़ाई या गुड़ाई, ये कुछ इस प्रकार के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। कोई समस्या यहाँ पर है क्या? कोई समस्या किसी प्रकार का, कोई बच्चा को यहाँ पर कोई समस्या दोस्तों? नहीं, याद रखना है आपको यहाँ पर हमें किस प्रकार से काम करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मांझी का सहायक कहलाता है आपका जोग मांझी, ठीक है। उसी प्रकार उप ग्राम प्रधान है तो उसको क्या कहेंगे, प्राणिक या प्रमाणिक कहेंगे। और प्राणिक समझ रहे ना, उप ग्राम प्रधान का सहायक। अगर हम पूछेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या कि उप ग्राम प्रधान का सहायक, तो कुछ नहीं करना है, जोग प्राणिक लगा देना है, जोग प्रमाणिक, बस ये बोलना है, जोग प्रमाणिक ही का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने जो बताया इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या समझने का प्रयास किया है कि ग्राम प्रधान कौन हो गया, तो मांझी हो गया। मांझी का जो सहयोगी होगा दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे क्या, जोग मांझी कहेंगे। मांझी का जो सहयोगी होगा हमारा, मांझी का जो सहयोगी होगा क्या कहलाएगा, जोग मांझी होगा। और मांझी का यानी ग्राम प्रधान का उप ग्राम प्रधान होगा, मान लीजिए ग्राम प्रधान गांव से बाहर चला गया कोई जरूरी काम से, तो उस जगह पर उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उप ग्राम प्रधान, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राणिक कहते हैं या प्रमाणिक कहेंगे, है ना। तो जिस प्रकार से मांझी का सहायक जोग मांझी होगा उसी प्रकार से है दोस्तों यहाँ पर उप ग्राम प्रधान यानी कि प्राणिक या प्रमाणिक का जो सहायक होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा हमारा, तो जोग प्रमाणिक कहलाएगा। प्राणिक या प्रमाणिक का जो सहायक होगा क्या कहलाएगा दोस्तों, तो जोग प्रमाणिक कहलाएगा। और एक चीज मैंने और यहाँ लिख दिया है, गाँव का संदेह वाहक, मतलब गाँव में जो चिट्ठी पहुंचाता है या बात खबर इधर उधर पहुंचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गुड़ाइत या गुड़ाइत के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार का यहाँ पर दोस्तों नहीं होनी चाहिए। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। उसी प्रकार से ये झारखंड की जनजाति में अगर हम बात करते संथाल का, तो मंत्र को किस नाम से जानते हैं, यह मंत्र को क्या कहते पुकारते हैं, याद रखना है मंत्र को यह बाखेड़ कहते हैं। मंत्र को यह क्या कहेंगे दोस्तों, तो बाखेड़ कहके पुकारते हैं। मंत्र को यह बाखेड़ कहते हैं, याद रखना है कि संथाल जनजाति में मंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, तो यह बाखेड़ कहते हैं। उसी प्रकार से ईसाई संथाल जो होते हैं, ईसाई संथाल को किस नाम जानते हैं दोस्तों, तो उमेहार, उमेहार। ये सब एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कभी भी कुछ ही पूछ देगा तो आपको जानना चाहिए कि मंत्र को क्या कहेंगे, तो बाखेड़ कहेंगे। ईसाई संथाल को क्या कहेंगे, तो उमेहार कहेंगे। उसी प्रकार से जहां पर पंचायत की बैठकी लगती है, जहां पंचायत की बैठक होती है, उस स्थान को किसी निश्चित नाम से जानते हैं, क्या आप बता पाएंगे? जहां पर संथाल जनजाति में जो पंचायत बैठक होती है, जहां पर पंचायत के लोग जमा होते हैं, गांव के लोग जमा होते हैं पंचायत करने के लिए, उस जगह को किसी खास नाम से जानते हैं, क्या आपको पता है? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा दोस्तों। इस जगह को बोलते हैं हम लोग मांझी थान बोलते हैं, याद रखना है। क्या बोलेंगे दोस्तों हम लोग? मांझी थान बोलेंगे। कोई समस्या यहाँ पर? मांझी थान, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मांझी थान, उस जगह को हम लोग बोलेंगे मांझी थान कहते हैं। जहां पंचायत की बैठक होती है उस स्थान पर या उस स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, तो मांझी थान कहते हैं। एक थोड़ा सा प्रश्न पूछ देगा कि संथाल जनजाति में त्योहार का जो शुरुआत होता है, त्योहार का जो शुरुआत होता है ना, वो किस माह में इनका त्योहार शुरू होता है, याद रखिएगा। संथाल जनजातियों में त्योहार यानी फेस्टिवल का जो शुरुआत होता है किस माह में होता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, छपेगा प्रश्न एग्जाम में, तो याद रखना आषाढ़ माह, आषाढ़ माह, आषाढ़ माह में यह शुरुआत होता है। कोई समस्या है यहाँ पर? आषाढ़ माह में यह शुरुआत होता है। मंत्र को बाखेड़, ईसाई को, ईसाई संथाल को उमेहार, पंचायत बैठकी कहाँ लगती है? मांझी थान में। और है ना, और हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या कि त्योहार का जो शुरुआत होता है कब होता है दोस्तों, तो यह आपका होता है आषाढ़ माह में होता है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, आइए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पर समझिए, पूछे कब से क्या कि संथाल जनजातियों में है ना सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है, फेस्टिवल कौन सा है। फेस्टिवल देखो, एक एक चीज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कि संथाल जनजाति से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन आपका रहेगा। तो संथाल जनजातियों में सबसे बड़ा त्यौहार कौन है दोस्तों, तो सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार कौन है दोस्तों, तो सोहराई। सोहराई में है ना ये 5 दिनों का त्यौहार, ये 5 दिन आपका चलता है जिसमें पशुओं के सम्मान में, याद रखना है पशुओं के सम्मान में यह त्यौहार आयोजित की जाती है। यह धान फसल के कटाई, धान फसल के कटने पर याद रखना है। पूछ सकता आपसे क्या कि सोहराई त्यौहार जो है दोस्तों कितने दिन तक चलने वाला त्यौहार है, तो याद रखना है 5 दिन का चलने वाला त्यौहार है। पूछेगा आपसे क्या कि संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है, संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है, याद रखना है सोहराई है ना, है ना। आपसे पूछेगा कि पशुओं के सम्मान में जो आयोजित की जाती है या पशुओं के सम्मान में जो त्यौहार मनाई जाती है उस त्यौहार को हम लोग किस नाम जानते हैं, याद रखना है सोहराई त्यौहार। या धान फसल कटने पर मनाया जाने वाला त्यौहार कौन है, तो याद रखना है दोस्तों वह है आपका सोहराई त्यौहार। यानी कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे आपसे छूटना नहीं चाहिए, कोई समस्या किसी प्रकार का है दोस्तों, नहीं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं बाहर, ये भी एक क्या है दोस्तों, एक त्यौहार है, ये भी एक त्यौहार है। यह कब मनाई जाती है, मैंने एक चीज आपको यहाँ पर नहीं बताया, सोहराई त्यौहार। पूछ सकता आपसे क्या कि सोहराई त्यौहार कब मनाई जाती है, सोहराई त्यौहार कब मनाई जाती है, जरा याद रखना है कार्तिक माह, कार्तिक माह मनाई जाती है। पूछ सकता आपसे क्या कि सोहराई त्यौहार कब मनाई जाती है, तो कार्तिक माह में मनाई जाती है, 5 दिनों का त्यौहार है, संथालों के सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, और ये पशुओं के सम्मान में और धान फसल कटने के उपलक्ष्य में दोस्तों सोहराई त्यौहार यहाँ पर मनाने की प्रक्रिया है, कोई समस्या किसी प्रकार का नहीं। आगे बात करें दोस्तों बाहा, तो बाहा भी एक हमारा त्यौहार है, संथाल जनजातियों का एक बहुत ही मशहूर त्यौहार है, इसे सबसे बड़ा नहीं कह सकते हम लोग, संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। देखो फर्स्ट तो सबको पता है सोहराई, लेकिन कभी आपसे भी पूछ सकता है कि संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार कौन है, याद रखना है बाहा। यह कब मनाई जाती है दोस्तों, कब मनाई जाती है, याद रखना है फागुन माह, फागुन माह में मनाई जाती है ना, किसके उपलक्ष्य में, अगर पूछा किसके उपलक्ष्य में, तो साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में, साल वृक्ष पर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर साल, साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में, फूल लगने के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में, ठीक है। ये 3 दिनों का त्यौहार है, यह चलता है कितने दिन, 3 दिनों तक। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तो शुद्ध जल से होली खेली जाती है, शुद्ध जल से होली खेली जाती है, होली खेली जाती है। तो याद रखना है यहां पर क्या समझेंगे दोस्तों हम लोग, क्या कि संथाल जनजाति है उसमें इनका दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार कौन है, तो बाहा है ना, जो कि फागुन माह में यह मनाई जाती है दोस्तों, यह साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में यह मनाई जाती है, और यह 3 दिनों तक चलने वाले त्यौहार है। इसमें क्या होता है, तो शुद्ध जल से होली खेली जाती है, शुद्ध जल से यह इसमें होली खेली जाती है, कोई समस्या किसी प्रकार का नहीं। उसी प्रकार से एक हमारा है साकारात, ये भी एक त्यौहार है दोस्तों, तो साकारात कब मनाई जाती है दोस्तों, याद रखना है पौष माह, यह मनाई जाती है कब, तो पौष माह में मनाई जाती है, यह 2 दिनों तक चलता है, यह आपका 2 दिनों से चलता है, किसके लिए, तो यह चलता है परिवारों के लिए,
ये चलता है दोस्तों किसके लिए, तो परिवारों के, परिवार के लिए। सकरात परिवार के लिए किस माह में, पौष माह में, 2 दिन तक चलने वाली त्योहार। एक हमारा बच गया है दोस्तों माघसिम। यह माघसिम जो है, यह आपका माघसिम है, यह माघ से कब मनाया जाता है, तो नामे से मालूम चल रहा है आपको कि यह माघ महीना में मनाया जाता है, माघ महीना में मनाया जाता है। तो मैंने मनाया दोस्तों यहाँ पर क्या कि सोहराई सबसे बड़ा त्यौहार है जो 5 दिनों तक चलने वाली है। कार्तिक माह में सेलिब्रेट किया जाता है। पशुओं के सम्मान में धान फसल काटने के उपलक्ष्य में यह सोहराई त्यौहार आयोजित की जाती है, मनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार से बाहा, बाहा एक त्यौहार है, संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है, दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है जो कि फागुन माह में यह मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों, तो साल वृक्ष पर फूल लगने के उपलक्ष्य में। जब साल वृक्ष होता है दोस्तों, उसमें फूल जब लगता है, तो ये 3 दिनों से चलने वाले त्यौहार है बाहा। और एक हमारा है सकरात। इस बाहा में हम लोग क्या करते दोस्तों, शुद्ध जल से होली खेली जाती है। शुद्ध जल से हम लोग क्या करते दोस्तों इसमें, तो होली खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार सकरात जो है दोस्तों, यह पौष माह में आयोजित की जाती है या मनाई जाती है, 2 दिनों का त्यौहार है। यह किसके लिए मनाई जाती है दोस्तों, याद रखना है, परिवार के लिए यह सकरात त्यौहार मनाई जाती है। और एक हमारा बच्चा है दोस्तों माघसिम, यह जो कि माघ महीने में आयोजित या मनाई जाती है। कोई समस्या यहाँ पर है दोस्तों, बोलिए हाँ है ना, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न, ये देखिएगा हमारा अगला कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा होगा। पूछेगा आपसे कहा कि कर्मा कब मनाई जाती है, कर्मा याद रखना है, कर्मा मनाई जाती है दोस्तों भादो में, यह मनाई जाती है आपको भादो में। कर्मा भादो में मनाई जाने वाली त्योहार है। एरोक, एरोक कब मनाते हैं दोस्तों, एरोक भी एक त्योहार है, यह मनाते हम लोग आषाढ़ में। एक एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाऊं बताऊं उसके बारे में जाना, है ना, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक भी ना छूटे। हरियाद त्योहार कब मनाया जाती है दोस्तों, तो हरियाद मनाया जाता है आपका सावन में, सावन माह में, है ना। और एक लास्ट है आपका जापा, यह मनाया जाता है दोस्तों अगहन में। तो कभी कभी आपको मन भी पूछता है कि कौन सा त्यौहार किस महीने में मनाई जाती है या फलना त्यौहार किस महीने में मनाई जाती है, तो आपको जानना होगा यह कुछ इस प्रकार से है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि सोहराई त्यौहार कब मनाते हैं हम लोग, तो कार्तिक माह में। बाहा त्यौहार कब मनाते दोस्तों, तो फागुन माह में। सकरात पौष माह में। माघसिम माघ में। कर्मा आपके सामने लिखा हुआ है भादो महीने में, यह भादो में। एरोक आषाढ़ में। हरियाड सावन में। और जपाड़ अगहन। इस प्रकार से यह है ना दोस्तों कुछ फेस्टिवल है जो आपको जानना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर आपको मैंने सिर्फ मंथ बताने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि मंथ अगर आप समझ जाते हैं किस महीने में आपका किस का इस्तेमाल होता है, किस त्यौहार का हम लोग मनाते हैं, किस त्यौहार को मनाते हैं, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन छूटने का कोई बात नहीं रहता, ठीक है ना। चलिए तो कुछ विशेष बातें जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, मैं उन्हीं सब चीज़ों पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं बढ़ने वाला हूँ इसके अगले प्रश्न। आइए अगला हमारा यह कहता है कि संथाल जनजाति जो है दोस्तों, संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा कि संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति में प्रचलित चित्रकला कौन सी है ना, याद रखना है कॉम कट, कॉम कट चित्रकला, कॉम कट चित्रकला, यह याद रखना है। कोई समस्या किसी प्रकार का, याद रखना है कॉम कट पेंटिंग, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है संथाल जनजाति। तो सबसे प्रचलित अगर कोई चित्रकला है दोस्तों, याद रखना है कॉम बकट चित्रकला, यानी कि कॉम कट पेंट, है ना। संथाल जनजाति वाले लोग जो है वो माह को, महीना को क्या कहते हैं, माह को क्या कहते हैं, तो माह को कहते हैं, यार बोलिए फटाफट आप लोग, संथाल जनजाति वाले लोग जो है वो माह को यानी महीना को क्या कहते हैं, तो माह को कहते हैं बोंगा। माह को कहते हैं दोस्तों क्या, इन लोग बोंगा कहते हैं, है ना। वर्ष की संथाल जनजातियों की जो वर्ष की शुरुआत होती है, वर्ष की शुरुआत है ना, वो किस माह से होती है। एक होता त्यौहार की शुरुआत और एक होता वर्ष की शुरुआत, है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर पूछेगा आपसे क्या कि किस माह से इनका त्यौहार शुरू होता है, किस माह से इनका त्यौहार शुरू होता है, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों।
त्योहार शुरुआत होता है इनका आषाढ़ माह से, आषाढ़ माह से इनका त्योहार शुरुआत होता है। लेकिन अगर पूछेगा आपसे क्या कि वर्ष की शुरुआत किस माह से होती है, तो माघ बोंगा से। मैं लिख दे रहा हूं, माघ बोंगा से वर्ष की शुरुआत होती है। चावल से बना पेय पदार्थ, ये तो सब बच्चा बताएगा। संथाल जनजातियों में एक ही चीज तो है जिसे हम लोग बच्चा बच्चा लोग जानता होगा कि चावल से जो पेय पदार्थ बनता है ना, जिससे नशा आता है ना, शराब के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वह है क्या दोस्तों, इसका हड़िया, हड़िया कहते हैं, हड़िया या इसको कह सकते हैं पोचाई। तो आपको पता होना चाहिए हड़िया या हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग पोचाई कहते हैं। यानी कि चावल से बना पेय पदार्थ संथाल जनजातियों में वह क्या है दोस्तों, तो हड़िया है या पोचाई, दोनों आपका सही है। कोई समस्या यहाँ पर नहीं? ठीक, उसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यानी मैंने बताया क्या प्रचलित चित्रकला कौन है, तो कॉमकट चित्रकला। माह को क्या कहते हैं, तो बोंगा कहते हैं। वर्ष की शुरुआत क्या है दोस्तों, तो वर्ष की शुरुआत इनका माघ बोंगा से होता है। चावल से बना पेय पदार्थ का नाम अगर पूछेगा तो हड़िया या पोचाई, यहाँ पर कोई समस्या किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। चलिए आगे कुछ बात कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हाँ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं धार्मिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, यह हमारा हो गया धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था अगर हम बात करें, धार्मिक व्यवस्था संथाल जनजातियों का धार्मिक व्यवस्था भी कुछ ऐसा है जिसको आपको जानना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था में क्या कहेगा, प्रधान देवता, संथाल जनजातियों का जो मेन देवता होते हैं, जो प्रधान देवता होते हैं, उन्हें ये किस नाम से पुकारते हैं, आपको पता होगा दोस्तों, तो याद रखना है। अगर नहीं पता है तो इन्हें बोलते हैं हम लोग सिंह बोंगा, सिंह बोंगा। संथाल जनजातियों वाले लोग जो है इन्हें प्रधान देवता को क्या कहेंगे, अपने प्रधान देवता को, तो सिंह बोंगा के नाम से यह जानते हैं, सिंह बोंगा, सिंह बोंगा, या ठाकुर भी कह सकते हैं, या हम लोग क्या कहेंगे इसको, ठाकुर भी कहते हैं, ठाकुर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो सूर्य देव, सूर्य देव। कोई समस्या यहाँ पर नहीं? तो आपने देखा क्या कि संथाल जनजाति वाले लोग जो है वह अपने प्रधान देवता को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो सिंह बोंगा कहते हैं या ठाकुर कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कह क्या मानते हैं, तो सूर्य देवता के रूप में इन्हें मानते हैं। हम ये भी पूछ सकते हैं आपसे क्या कि संथाल जनजातियों का दूसरा प्रमुख देवता कौन है, दूसरा, यह तो हुआ हमारा प्रधान देवता, दूसरा प्रमुख देवता याद रखिएगा मारंग गुरु या मरांग गुरु, मरांग गुरु, मरांग गुरु, यह संथाल जनजातियों का दूसरा प्रमुख देवता के रूप में इन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हमारा कह रहा है प्रधान ग्राम देवता, मैंने ग्राम देवता मैंने गांव का जो प्रधान देवता है, गांव का जो, गांव में भी आपने देखा होगा गांव में भी अपना देवता होते हैं, तो गांव का जो प्रधान देवता है उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, तो जाहिर एरा, जाहिर एरा। एक एक चीज इतना आप अगर कर लेते दोस्तों तो इससे आपको अलग पूछेगा नहीं प्रश्न, जो भी प्रश्न पूछेगा इसी के इर्द गिर्द में आपको घूमेगा। जाहिर एरा यानी कि संथाल जनजातियों में ग्राम देवता में जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे मेन है, जो सबसे प्रधान है, उन्हें हम कहते हैं क्या दोस्तों, तो जाहिर एरा कहते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ है, मतलब जाहिर एरा जो परम ग्राम देवता होते हैं, ग्राम प्रधान देवता होते हैं, उनका निवास स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों हम लोग, तो जाहिर थान बोलते हैं, जाहिर थान कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हो दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित होता है, तो सखुआ या महुआ के पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित होता है, याद रखिएगा सखुआ या महुआ का पेड़, सखुआ या महुआ के पेड़ के झुरमुट के बीच, झुरमुट के बीच स्थित होता है, स्थित होता है, मतलब इनका निवास स्थान जो है दोस्तों वो सखुआ या महुआ के पेड़ के झुरमुट है ना दोस्तों, उनके बीच स्थित होता है, जाहिर थान कहते हैं। इनका ग्राम देवता के जो मेन होते हैं दोस्तों उन्हें जाहिर एरा कहते हैं। दूसरा प्रमुख देवता मरांग गुरु है और इनका जो सबसे मेन देवता है वह है सिंगबोंगा या ठाकुर देव। ठीक उसी प्रकार से अगर हम एक बात करें इनके गृह देवता,
दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर आपको, ये गृह देवता। तो गृह देवता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? संथाल जनजातियों में गृह देवता को हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें गृह देवता को हम लोग बोलते हैं ओड़ाक बोंगा, ओड़ाक बोंगा, याद रखिएगा ओड़ाक बोंगा कहते हैं। संथाल जनजातियों में गृह देवता को, जो घर के देवता होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग दोस्तों ओड़ाक बोंगा। ठीक उसी प्रकार परिवार के जो देवता होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? तो इसको बोलते हैं हम लोग अबगे, अबगे बोंगा, अबगे बोंगा। यह तो आपको सब बच्चों को पता होगा दोस्तों कि संथाल जनजातियों में जो धार्मिक प्रधान होते हैं, है ना, जो देख रेख करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न कि संथाल जनजातियों के जो धार्मिक प्रधान होते हैं, जो गांव में पूजा पाठ करवाते हैं, है ना, है ना, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा नायक है, इन्हें हम लोग नायक है। हरेक जनजातियों में, अनेक जनजातियों में इनका धार्मिक प्रधान को अलग नाम से पुकारा गया है, अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन संथाल जनजातियों में इन्हें हम लोग नायके के नाम से जानते हैं। कोई समस्या किसी प्रकार का यहाँ पर दोस्तों? नहीं। देखिए मैं और लिखा है यहाँ पर कि संथाल, सॉरी, सनातन संथाल को बोंगा होड़ कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। सनातन संथाल को हम लोग क्या कहे दोस्तों? तो बोंगा होड़ कहते हैं। कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। और दूसरी बात अगर है कि सौ, जो सौ जलाने की जो प्रक्रिया है, तो इसमें जलाने और दफनाने एवं दफनाने दोनों ही प्रचलित है, दोनों ही प्रचलित है। याद रखिएगा। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या देखें कि गृह देवता को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो ओड़ाक बोंगा कहते हैं। परिवार के देवता को अब के बोंगा कहेंगे। धार्मिक प्रधान को क्या कहेंगे दोस्तों? नायके कहेंगे। सनातन संथाल को बोंगा होड़ के नाम से हम लोग जानते हैं। और रही बात कि जब मनुष्य का अंत होता है तो दोस्तों यह प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं? सौ, जिसे हम लोग लास्ट में ये देखते हैं। तो सौ को जलाने या दफनाने दोनों ही यहाँ पर दोस्तों प्रचलित है। जलाने एवं दफनाने दोनों ही यहाँ पर प्रचलित है, मतलब सौ को जला भी सकते हैं और दफना भी सकते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो देखा ये है मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्या है? तो आपने देखा क्या कि दोस्तों ये संथाल जनजाति से संबंधित, संथाल जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत रिलेवेंट है। आप इसे एक बार देख के जाएं, अच्छे से काम करें और नो डाउट आपके लिए एग्जाम में यह बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर इसके बाद अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना अच्छे से रहें, ख्याल रखें और पढ़ते रहें मलयालम दोस्तों। ठीक है, मेरा अगला जो टॉपिक होगा वह होगा हमारा उड़ाव जनजाति। अगला जो टॉपिक होगा दोस्तों वह होगा हमारा उड़ाव जनजाति। मैं इस पर अगले वीडियो में आपको लेकर आने वाला हूँ। तो मैंने आप पहले ही बोला था कि अगर हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं दोस्तों तो आप हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, अगर वीडियो पसंद आता है और इसी प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए होता है और ये अपना कुछ राय मशवरा कुछ देना चाहते हैं, थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट आप लिख देंगे तो वह चीज़ क्या होगा हमारे लिए? थोड़ा प्रेरणादायी बनेगा, हमारे लिए थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा दोस्तों वहाँ से। और मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, मेहनत करता रहूँगा। बस आप आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, धन्यवाद।